कि अब बताओ क्या योजना है कि अगला इलेक्शन कैसे लड़ाएगा। एक इलेक्शन खत्म होता है तो दूसरे योजना की योजना बनती है इनके मंत्रालयों में। हम मंत्रालयों में कभी भी राज्य कई जगह हम भी आदमी भेजते हैं देखने के लिए, तो कहते हैं जी वहां तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी पदकारी होता है और किसी के लिए जगह ही नहीं होता है। सुबह जाओ वो बैठे होते हैं, दोपहर वो मंत्रियों के पास बैठे होते हैं, शाम को वो बैठे होते हैं, वहां कोई चर्चा फाइल की नहीं होती है कि अब अगला इलेक्शन कौन सा लड़ना। एक बार नहीं, हमने 10 दफा कंफर्म किया कई लोगों को भेजकर काम के लिए, भाई जाओ जरा मालूम करो क्या दफ्तरों में करो, जबकि हम हमारे या दूसरी पार्टियों के मंत्री दफ्तरों में होते थे तो योजनाएं पर चर्चा होती थी। किसान के लिए क्या योजना होगी, बेकारी के खत्म करने के लिए क्या योजनाएं होंगी, मजदूरों को रोजगार मिलने के लिए क्या योजनाएं होंगी, हॉस्पिटल कहां बनेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहां लगेंगे। हाँ, ये उन चीजों का ऐलान करते हैं लेकिन ऐलान करके भूल जाते हैं वो बनता है कि नहीं। अभी भी 6 सालों से जितने भी ये इनॉग्रेशन हो रहे हैं, पुलों से लेकर और बिजली के प्रोजेक्ट से लेकर और जो भी कोई सड़कों तक, वो सिर्फ कांग्रेस के शुरू किए हुए या कांग्रेस के अधूरे, यूपी के जमाने के अधूरे रहे, उन्हीं का भी उद्घाटन चल रहा है। और जो उन्होंने 6 साल से अनाउंस किए उनमें पत्थर लग के बगैर और टेलीविजन पर पब्लिसिटी के बगैर कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बधाई देता हूं देश की जनता को कि वो आप समझ गए कि इनके पास लोन के देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो आप समझ